काफी महीनों पहले राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को चिरंजीवी मोबाइल फ्री में देने की जो घोषणा की थी, इसे अब जल्द ही बांटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब सरकार ने मोबाइल देने की बजाय मोबाइल हेतु नकद रुपए देने की घोषणा की है। यहाँ आप आज की पत्रिका की न्यूज़ देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि महिलाओं को पसंद का मोबाइल लेने के लिए पैसा ई वॉलेट में दिया जाएगा। महिलाओं को जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए कैंप में मोबाइल उपलब्ध होगा, जिसमें से ही वे पसंद का मोबाइल ले सकेगी। ये छूट होगी कि सरकार द्वारा दी गई राशि से अधिक कीमत का मोबाइल पसंद आए तो महिलाएं अपनी ओर से राशि मिलाकर भुगतान कर सकेंगी, यानी अच्छे फीचर वाला मोबाइल ले सकेगी। सरकार ने मोबाइल खरीद में किसी घोटाले के आरोपों से बचने और पसंद का मोबाइल खरीदने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आशंकाओं का दरवाजा भी बंद कर दिया है। सरकार पहले चरण में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों को 40 लाख महिलाओं को ही मोबाइल देगी, जिसके लिए चयन का क्राइटेरिया भी तैयार कर लिया है। अब हम देखते हैं चिरंजीवी बीमा धारक के अलावा और किन किन को फ्री मोबाइल मिलेगा। सरकारी विद्यालयों में 10वीं और 12वीं कक्षा, सरकारी महाविद्यालय ITI व पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को भी मोबाइल दिया जाएगा। विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, नरेगा में 100 दिन का काम पूरा कर चुकी महिलाओं को भी ये चिरंजीवी फ्री मोबाइल दिया जाएगा। जिला प्रशासन महंगाई रात कैंप की तर्ज पर मोबाइल योजना के लिए भी कैंप लगाकर मोबाइल बुक किए जाएंगे। फ्री मोबाइल के साथ फ्री इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। इसमें BSNL, जियो, भारतीय एयरटेल व वोडाफोन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की ओर से मोबाइल की व्यवस्था की जाएगी। मोबाइल के कुछ ये प्रावधान होंगे। नंबर 1, सिम के लिए 1 साल की रिचार्ज वैल्यू सरकार वहन करेगी। नंबर 2, मोबाइल में सिम लॉक का सिस्टम होगा, जिससे मोबाइल में उस सिम का इस्तेमाल करना ही होगा। नंबर 3, मोबाइल में सरकार की योजनाओं की जानकारी इनबिल्ट रहेगी, यानी कि उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी जुड़ी रहेगी। नंबर 4, 3 साल तक मोबाइल पर इंटरनेट सुविधा फ्री मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये चिरंजीवी फ्री मोबाइल रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं को देने की घोषणा कर सकते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मोनोटेक के साथ। धन्यवाद।